वेलकम गाइस, वीके मोबाइल वर्क में आपका स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आप सभी के सामने मोबाइल है, ये रेडमी का मोबाइल है। और इसके अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर दिक्कत यह है मतलब कि जो इसका आप स्पीकर देख पा रहे, देखिए किस तरह से गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर धूल गई हुई है जिस कारण इसके अंदर आवाज़ बहुत कम हो चुकी है, काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। तो जो MI का फ़ोन चलाते हैं उनको तो पता ही होगी इसका MI का जो साउंड है वो कैसा होता है। तो इसमें एक तो साउंड मंदार है, थोड़ा फटी हुई आवाज़ की भी इसमें दिक्कत हो रही है, थोड़ी कम है लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत मंदी आवाज़ की है। देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह का है फ़ोन, मॉडल वगैरह जो भी है आप देख ले, एक बार देख लीजिए कैसा है। तो आपको मैं एक बार इसमें आवाज़ सुना देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप। तो गाइस देखा आपने मतलब कि इसमें कितनी मंदी आवाज़ आ रही है, आपने खुद ही देख लिया होगा। तो इसमें काफ़ी मंदी आवाज़ आ रही है, आज हम इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, एंड तक देखनी है वीडियो, तभी आपको समझ में आएगी। आप थोड़ी शुरू से देखोगे फिर स्किप कर देते हो इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आपको इस वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, ये नीचे की साइड जो छोटे वाले स्क्रू होते हैं आप देख पा रहे होंगे, ये रे इधर की साइड छोटे वाले स्क्रू होते हैं देखिए, तो उसको खोलने के लिए बहुत मदद मिलती है इस स्क्रू ड्राइवर से। देख कितने काफ़ी बहुत ही छोटे होते हैं इसके अंदर, तो इसका कवर जो होता है ना थोड़ा उसको रोकने के लिए बने होते हैं, तो इसलिए इनको पहले खोल लेंगे। इसकी सिम ट्रे वगैरह भी निकाल लेंगे, ध्यान रहे आराम से काम करना है आप सभी को। तो मैं जैसा कि हर वीडियो बताता हूँ आपको, तो जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। और यहाँ पर आपको इसको पीछे से ओपन कर लेना। तो गाइस जब तक हम अपना मोबाइल ओपन करते, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को ये वीडियो मिल जाए और सभी की मदद हो जाए। देखिए गाइस यहाँ पर हमने मोबाइल जो है अपना खोल लिया है, तो ध्यान रहे आपको डिस्प्ले जो है अलग एकदम आराम से उतारनी, एकदम से अलग नहीं करनी है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो होती है इसका जो पूरा कॉम्बो होता है मतलब ये बिल्कुल, आपने आईफोन देखा होगा जिस किसी ने भी आईफोन रिपेयर करा होगा तो उसके बिल्कुल सेम उसी की तरह होती है ये भी, आप देख पा रहे होंगे सेम ऐसी होती है ये भी। तो नीचे से हम इसके स्क्रू ड्राइवर से इसको धीरे धीरे इसको खोल लेंगे, इसमें प्लस वाला लगता है स्क्रू ड्राइवर, उसकी मदद से हम नीचे के स्पीकर के ऊपर के पेच वगैरह खोल लेंगे। ध्यान रहे आपको आराम से खोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करिएगा। यहाँ से आपको स्क्रू खोलने के बाद स्पीकर आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए इसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं, सिर्फ आप ₹10 की मदद से आप स्पीकर ये बिल्कुल जो है साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा ₹10 में, मात्र ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले, मात्र ₹10 में आपका ये फ़ोन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए स्पीकर हमने जो है बाहर निकाल लिया और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी धूल आपको यहाँ वाइट वाइट सी चमक रही होंगी, देखिए कितनी गंदा यहाँ पर हो रहा है। आपको देखिए करना क्या है इसके अंदर, ध्यान रहे आपको जाली इसको ध्यान से हटा लेनी है, इसके ऊपर नाखून की मदद से आपको अपने नाखून से जाली हटा लिया, ब्लेड की मदद से हटा लीजिए, ब्लेड से स्क्रैच आ जाती है इसलिए मैंने नाखून से हटाया है। देखिए मैंने जाली निकाल करके साइड में रख दी है, मात्र ₹20 में मैं इसको ठीक कर दूँगा। अभी आप देखिए ये ₹20 का ब्रश मैं लाया हूँ और इस ब्रश से मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर लूँगा, बिल्कुल क्लीन जिसे कहते हैं। तो इसको आपको देखिए इसमें क्या गलती नहीं करनी है आपको, इसमें थिनर से आपको नहीं साफ़ करना है, पहले आपको सुक्का ब्रश से इसमें लेना है नॉर्मली और उससे आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। और अच्छे से क्लीन करने के बाद एक बार इसको झटका लीजिए थोड़ा सा स्पीकर को, हल्का सा, ज़्यादा तेज़ी नहीं करना है आपको। करने के बाद थोड़ा सा इसको आप अंदर से टॉर्च वगैरह मार करके देख लीजिए कि अंदर कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है। करने के बाद नीचे आप इसको लगा देना है वापस और आपको इसकी आवाज़ टेस्ट करनी है, बिल्कुल आसान है, आपने भी देखा होगा, बस थोड़ा टाइम जो लगता है आपको मोबाइल खोलने में लगता है और कुछ नहीं है, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, बस आराम से आप अगर एक बार मोबाइल खोल लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए करना। तो इसको लगाने के बाद बस आपको ज़्यादातर ध्यान क्या रखना है, किसी चीज़ का नुकसान ना हो जैसे कि डिस्प्ले वगैरह, क्योंकि डिस्प्ले आपको पता ही है कितनी नाजुक होती है, अगर टच वगैरह कहीं लग गई है टूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, लोकल लोकल होती है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। और यहाँ पर हम अपने स्क्रू कस देंगे और फिर आप हम आपको यहाँ पर आवाज़ सुनाएंगे, काफ़ी अच्छी आवाज़ यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि हमने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। तो चलते चलते आपको आवाज़ सुनाते हैं, देखिए यहाँ पर हम अपना पैटर्न खोल लेते हैं और आपको अब यहाँ पर हम आवाज़ सुनाएंगे। तो मैं माइक ले आता हूँ, देखिए
तो कहे जैसे कि आप सभी ने आवाज़ सुनी, काफ़ी क्लियर आवाज़ आ रही है और तेज़ भी आवाज़ आ रही है। जो पहले आवाज़ सुनी उसी से काफ़ी तेज़ आवाज़ है, जो पहले मैंने आपको सुनाई तो उससे काफ़ी तेज़ आवाज़। और टैप की भी आप देख पा रहे हो, जब मैं टैप कर रहा था मतलब कि क्लिक उस पर टच पे क्लिक कर रहा था तो क्लिक करने की भी आवाज़ आ रही थी। आप प्लेबैक में जाकर दोबारा देखना, बिल्कुल साफ़ क्लियर आवाज़ आ रही है अब तो बैक होने की भी, जबकि पहले नहीं आ रही थी। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। और ये इसकी जाली है स्पीकर की, आप आपको मैंने तो यहाँ पर ऐसी लगा दी, लेकिन आपको जाली इस पर लगानी है। अगर आप बिना जाली के ऐसे फिट कर दोगे तो स्पीकर जल्द ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट धूल जाएगी, डबल जाली इसमें नहीं है। तो इसलिए स्पीकर पर आपको जाली लगा देनी है काट करके, किसी भी नई स्पीकर की। कोई आपके पास ख़राब स्पीकर पड़ा हो, जाली साफ़ हो, उसकी जाली इसी की मदद के साथ बिल्कुल इसी साइज़ की काट कर लगा दीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।